हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे तथा हमारे द्वारा भेजे गए ऑनलाइन वीडियोज को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 लॉकडाउन के कारण आपकी फिजिकल क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आपकी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखने के लिए हम आपको ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी अपने घर में बैठे बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ड्रॉप कैप तथा पेज फॉर्मेटिंग संबंधित टॉपिक्स के बारे में वीडियो लेक्चर डिलीवर किया था। आज हमारा टॉपिक है फुट नोट एंड एंड नोट। फुट नोट एंड एंड नोट एमएस वर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। फुट नोट एंड एंड नोट की अगर बात करें तो यह डॉक्यूमेंट के पेज में जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उससे संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि फुट नोट क्या है, फुट नोट इज एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द करेंट पेज। फुटनोट किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो पेज के बॉटम में प्रिंट की जाती है। अब वह कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे आपका कोई इंटरेस्टेड कमेंट हो गया, कॉपीराइट परमिशन हो गई, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गई, या कोई अदर इंफॉर्मेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो आप डिफाइन कर सकते हैं। अधिकतर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कोई आपका टिपिकल या कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखा रहता है तो उसकी मीनिंग आपके नीचे पेज में लिखी, जैसे हम देखते हैं यूज करना, पहले देखते हैं फिर समझेंगे। देखिए जैसे वर्ड में हम गए, एक हमारी ये हमारा कुछ आर्टिकल है इसमें, ठीक है। अब इसमें जैसे आपको ये जैसे वर्ड है एम हेल्थ, ठीक है, एम हेल्थ वर्ड की मीनिंग क्या है या इससे रिलेटेड आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो आप हेल्थ को सिलेक्ट करें, रेफरेंसेस में जाएं, रेफरेंसेस टैब में आपको इंसर्ट इन नोट ऑप्शन मिल जाएगा फुट नोट ग्रुप में। यहाँ पे आप जाके इसको क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कर दीजिए, है ना। जैसे आप देखेंगे ये देखिए पेज के बॉटम में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आ गया, यहाँ पर लिखा उसके बारे में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जैसे एम हेल्थ मीन्स वाइल हेल्थ, है ना, हमने उससे संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दी। देखिए यहाँ पर वन लिख के आ रहा है और आप यहाँ पे भी पाएंगे वन लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो भी हम फुट नोट या एंड नोट के रूप में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन हम मेंशन करते हैं, है ना, उसकी नंबरिंग हो जाती है और वह नंबरिंग सेम टू सेम जो फुट नोट होता है और जो डॉक्यूमेंट होता है दोनों में सेम नंबर होता है। जैसे यहाँ पे वन है ना, और यहाँ पे वन है, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये वन है, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे भी वन है, इस तरह आपने बुक्स में देखा होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे भी फुट नोट इंसर्ट करना है, आपको मान लीजिए और एक वर्ड कोई भी दे लीजिए बिग डेटा, ठीक है, बिग डेटा में फुट नोट इंसर्ट करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट किया, टू नंबर आ गया। बिग डेटा क्या है, बिग डेटा क्या, इट इज एन डेटा एनालिसिस टेक्निक्स, एक बार भी डेटा एनालिसिस टेक्निक्स है ना। आप यहाँ पे टू नंबर सेकंड नंबर हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे
जहां भी आपका बिग डेटा दिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ पे है ना, टू नंबर हो गया। इस तरह आप किसी वर्ड से रिलेटेड आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मान लीजिए आपको इसी कोई भी टेक्स्ट को इसी तरह का टेक्स्ट आपको लास्ट पेज में लिखना है तो उसे एंड नोट कहते हैं। देखिए जैसे हमने पेटावाइट यूज किया है ना, इसके बारे में आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप इस बार आप एंड नोट यूज करिए, इंसर्ट एंड नोट है ना, यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए लास्ट पेज में हमारा कर्सर आ गया है। अब हम लिख सकते हैं वन पेटा वाइट इक्वल टू 10 पावर 20, 10 पावर 15 है ना, 10 पावर 15 बाइट्स। और 10 पावर 15 के लिए यहाँ पे हमने बताया था पिछली वीडियो में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, देखिए नंबरिंग हो गई, तो फुट नोट की नंबरिंग अलग टाइप से होगी। और देखिए हमारा जो इंड नोट है इसकी नंबरिंग रोमन अंक में 1 2 दे रहा है, ये देखिए है ना, आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो देखिए फुट नोट, इस पेज का फुट नोट इस पेज के बॉटम में है, इसको मैं जूम कम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका ये फुट नोट आपको यहाँ दिख रहा है ना, यही पे हम इसके लिए एंड नोट बनाए हैं पेटाबाइट के लिए, तो वह हमारे लास्ट पेज में दिख रहा है। तो फुट नोट जो होता है हर पेज के प्रत्येक पेज के बॉटम में डिस्प्ले होता है, और जो एंड नोट होता है डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में डिस्प्ले होता है। जैसे एंड नोट हमने बनाया इस डॉक्यूमेंट का, तो इस डॉक्यूमेंट के टोटल 2 पेज है, लास्ट पोजिशन दिख रहा है। मान लीजिए इसका आप फुट नोट यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम कोई वर्ड ले लेते हैं मेडिकल रिसोर्सेस है ना, इसका इसके लिए एंड नोट फुट नोट बनाते हैं, हमने एंड नोट इंसर्ट कर दिया है, यहाँ पे जाए फुट नोट है ना, ये देखिए सेकंड पेज के बॉटम में आ जाए मेडिकल रिसोर्सेस, दैट मीन्स हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम है ना, इस तरह से आप देखिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस पेज का फुट नोट अलग है, इस पेज का फुट नोट अलग है, एंड नोट पेज के लास्ट पेज में डिस्प्ले होता है, ओके। तो फुट नोट या एंड नोट एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेजेस में प्रिंट होती है। अब जैसे आपका फुट नोट होगा तो क्या होगा, प्रत्येक पेज के बॉटम में प्रिंट होगा, करंट पेज के बॉटम में प्रिंट होगा, हर पेज का फुट नोट अलग होगा, जबकि फुटर हर पेज का सेम होता है, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज का फुटर लगभग सेम होता है। आप कुछ और भी अच्छा फिटिंग आ गई कि इवन पेज का फुटर और ऑड पेज का फुटर आप चेंज कर सकते हैं। फिर जो सुपर स्क्रिप्ट नंबर जो फुटर की नंबरिंग होती है, जो भी आप टेक्स्ट फुटर के रूप में इंसर्ट करेंगे उनकी एक नंबरिंग हो जाती है, और वह नंबर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में डिप्रिंट होती है, और वह नंबरिंग डॉक्यूमेंट में और फुट नोट या एंड नोट में सेम होती है, जिससे कि आप जो आपकी सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन होती है बॉटम में लिखी है उसको रीडर आसानी से मैच कर सके। प्रत्येक पेज का जो फुट नोट होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि डॉक्यूमेंट के केवल लास्ट पेज में एंड नोट इंसर्ट किया जाता है। इस प्रकार एंड नोट और फुट नोट दोनों सेम चीजें हैं। डिफरेंस ये है कि आपका जो फुट नोट होता है वह डॉक्यूमेंट के बॉटम में डिस्प्ले होता है, प्रिंट होता है, जबकि आपका जो ये फुट नोट है वह पेज के लास्ट डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में अपेयर होता है। हम फुट नोट या एंड नोट के रूप में कोई भी इंटरेस्टेड कमेंट, कॉपीराइट परमिशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, साइट इंफॉर्मेशन आदि को इंसर्ट कर सकते हैं। फुट नोट या एंड नोट ऑप्शन को यूज करने के लिए डिफरेंसेस टाइप के फुट नोट ग्रुप्स का यूज करते हैं। एक चीज और ध्यान देने की बात कि हम जो अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं क्यों वहां पे करते हैं, हम अपने सेंटेंस में ही क्यों नहीं कर देते। तो कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम पैराग्राफ के साथ हम नहीं लिख सकते, पैराग्राफ में वर्ड्स हमारे मैच नहीं करेंगे।
ऐसे कंडीशन में ही हम फुट नोट या एंड नोट का यूज करते हैं, जो हमारे पैराग्राफ से हट के वर्ड है और हम वहां पे लिखना चाहते हैं तो हम फुट नोट या एंड नोट का यूज करते हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने फुट नोट या एंड नोट सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर संबंधित वीडियो बनाकर आपको अपलोड करेंगे। हाँ, थैंक यू।